वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अडा 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। आज कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा आपको सेशन, या फिर सब कह सकते हैं आप थंबनेल, जहां पर आज हम लोग चेक कर रहे होंगे अपने बेहतरीन 50 सवाल, और वो भी एक टॉपिक का। मतलब जितना भी सिलोलिज्म आपने पढ़ रखा है ना, आज उसके टेस्टिंग कह सकते हैं आप है। या फिर ये भी है कि अपने इस चैप्टर को लेके आप, अब तीन बाइफिकेशन मैंने रखे हैं इस चैप्टर में, उसको आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपके पास जितना भी स्किल आपने डेवलप कर रखा है इस चैप्टर को लेके, उसको आप उसके लिए आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं आज इस सेशन में। हर एक सवाल में टाइमर भी होगा और सवाल तीन डिफरेंट वे में डिवाइड किया गया, मतलब पूरे 50 सवालों को तीन या चार पहलू पर बांटा गया है। ठीक है, सो आई होप मेरी आवाज़, एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माई साइड। सो मुझे लगता है कि आप लोग रेडी होंगे और हाँ, सेशन को मैं बेसिक काम कर लीजिए, सेशन को लाइक करना, सेशन को लाइक कर लीजिए, एक बार शेयर कर लीजिए और शुरुआत कर लीजिए। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलो, सो टॉप 50 सिलोलिज्म क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन टू द सेशन। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो बच्चे नए देख रहे हैं, जिनको अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में बात जरूर शेयर, देखने के बाद सेशन को शेयर किया कीजिए। ठीक है, ये तीन पहलू आपके पास होंगे, ये तीन पहलू हमारे पास हैं। एक और है, मैं उसको बाद में आपको डिस्क्लोज करूंगा वो क्या रहेगा, लेकिन लेवल वन पे हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जहां पर सवाल नंबर एक से लेकर 10 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 10 सवाल जो होंगे वो सिंपल होंगे, जिसमें कि आप सम, ऑल, सम नॉट, नो, इनसे बने हुए स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन देखने वाले होंगे। ठीक है ना, लेवल टू पे जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे सेकेंडरी कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, जैसे कि आपके सम के लिए हम मैक्सिमम सब का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम ऑल के लिए एनी वर्ड का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम 100% इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से हर एक शब्द को हम, इन जो चार हमारे पास मेजर शब्द हुआ करते हैं इस चैप्टर में, मतलब सिलोलिज्म चैप्टर में हमारे पास चार ही वर्ड हैं, वो हैं आपके पास सम, सम नॉट, नो एंड ऑल। इन चारों शब्द के और भी चेहरे हो सकते हैं, तो 10 सवाल हम लोग, दैट मीन सवाल नंबर 11 से 20 तक जो हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे वो होगा सेकेंडरी कीवर्ड्स के आधार पे। उसके बाद लेवल 3 पे हम जब काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली अ फ्यू का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा आपके सवाल में, और ये सवाल 20 सवाल ऐसा डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद सवाल नंबर 41 से आपके 50 तक सवाल, 10 सवाल आपके होमवर्क के तौर पर होने वाले, दैट मीन्स आफ्टर दिस विल हैव होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम 41 to 50। ये पूरा 50 सवाल आपको देखने मिलने वाला आज के इस सेशन में। मुझे लगता है कि आप लोग तैयार तो हो ही गए होंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप जुड़े रहें, बने रहें सेशन से और मिस ना हो। एप्लीकेशन अगर नहीं है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, और एप्लीकेशंस पे इतनी सारी सुविधाएं हैं जिसका लाभ उठाएंगे अगर आप, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप अपने आप को ग्रो भी करते हुए देख सकते हैं उसमें। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे आप लगातार जुड़े रहें तो बहुत बेहतरीन होगा। शुरुआत करते हैं, वो चार कॉम्पोनेंट इकट्ठा कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद मैं सीधा सवाल लेके आने वाला हूँ। सो आई होप सब तक ये बातें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से सवाल होने वाला है। एक्यूरेसी, आपके हर 10 सवाल के बाद मैं एक्यूरेसी पूछूंगा कि मतलब पिछले 10 सवाल में क्या रहा आपका, आउट ऑफ 10 क्या स्कोर रहा। फिर 11 से 20 वाले में भी पूछूंगा मैं आपसे क्या एक्यूरेसी रहा, और आपको ईमानदार रहना है। और फिर हमारे पास 21 से 40 कर रहे होंगे सवाल, हम लोग 11 से 40 जब करेंगे तो आफ्टर दैट 20 क्वेश्चन ऑल्सो आई विल आस्क यू क्या स्कोर रहा आपका, एंड देन अल्टीमेटली मैं 40 में से आपसे पूछूंगा कि क्या स्कोर रहा आपका। कोशिश करते हैं, रैपिड फायर राउंड रहेगा पूरा सेशन, लगातार ताबड़तोड़ चलेंगे, और बहुत हम अगर 40 क्वेश्चन तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें रफ्तार से चलना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं, पहले सवाल पे चलते हैं, लेकिन वो चार कंपोनेंट इकट्ठा कर लीजिए, नोटबुक, पेन, दिमाग और कॉन्सेंट्रेशन। शुरुआत करते हैं, पहला सवाल, और हर एक सवाल 20 सेकंड्स टाइमर के साथ होगा, हर एक सवाल 20 सेकंड्स टाइमर के साथ होगा। शुरुआत करते हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा और टाइमर ऑन करते हैं क्विक। टाइम आउट, बाकी मेरे अगर नहीं सॉल्व हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइमर को बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि हाँ टाइम, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि चलो ठीक है, आपकी तरफ से रिएक्शन लेकिन हो जाना चाहिए, बहुत तेज प्रेशर वाली फीलिंग आनी चाहिए आपकी तरफ से। सवाल पे आते हैं, सम रेड आर ब्लैक, परफेक्ट,
सम ब्लैक इज येलो एंड ऑल येलो इज ग्रीन, ये आपका स्टेटमेंट है. सम रेड इज येलो, सम रेड इज येलो, नो रिलेशन कट कीजिए. सम ब्लैक इज ग्रीन, कुछ ब्लैक जो है ग्रीन है, बिल्कुल है. सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. तुरंत आगे बढ़ जाइए, तुरंत एकदम जंप कीजिए सवाल नंबर दूसरे पे. सवाल नंबर दूसरे का टाइमर ऑन हो चुका है, जल्दी करते हैं. चले, सवाल नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे है और इसमें कहा गया सम कप्स आर प्लेट्स, दैट मींस कुछ कप प्लेट हैं. सम प्लेट्स आर फाइबर एंड नो प्लास्टिक इज कप, दैट मींस प्लास्टिक का प्रतिबंध यहां पर. ये हमारे पास जो है वो प्लेट है, कंफ्यूज नहीं होना. ये प्लेट है और ये आपका यहां पर फाइबर है और ये आपका प्लास्टिक है, ठीक है ना. प्लेट और यहां प्लास्टिक, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये आपका वेन डायग्राम रहा. सम फाइबर आर प्लास्टिक बोला, कुछ फाइबर जो है प्लास्टिक है, कोई मतलब नहीं बोलने का. सम प्लेट्स आर प्लास्टिक, कुछ प्लेट प्लास्टिक है, ये भी कहने का कोई तात्पर्य नहीं बनता. दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. एकदम एक्यूरेसी, एकदम कहीं भी आपको क्या कहते हैं उसे, स्लो नहीं होना है या फिर कहीं भी आपको लेजी पर नहीं दिखाना, फटाफट रिएक्शन करना है. सवाल नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे आने वाला है, गेट रेडी एंड टाइमर इज ऑन. पूजा राय, यू नीड टू बी इन द क्लास ओनली, इन दैट लाइव क्लास. जैसे कोई भी आप लाइव क्लास नहीं लेते हो, रिकॉर्डेड देखते हो, तो उस जिस सीरीज की आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो एप्लीकेशन पे, उसके एक दिन लाइव क्लास में एंड में आ जाइए. ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं. सम वायरस इज बैक्टीरिया, सम वायरस इज बैक्टीरिया एंड नो बैक्टीरिया इज ऑर्गेनिज्म. और यहाँ पे हमारे पास सम ऑर्गेनिज्म इज फंगी. सम वायरस इज नॉट ऑर्गेनिज्म, कुछ वायरस ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो पहला बिल्कुल सही है. बिकॉज सम पार्ट ऑफ वायरस विच इज इन बैक्टीरिया इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया. कुछ वायरस जो इसमें है वो रेस्ट्रिक्टेड है इससे, दैट मीन सम पार्ट ऑफ वायरस इज नॉट ऑर्गेनिज्म, पहला सही. नो फंगी इज बैक्टीरिया, नो फंगी इज बैक्टीरिया नहीं बोल सकते यहाँ पर, नो वाली बात नहीं लिखे आ सकते हमारे पास. ओनली यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑन द फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सवाल नंबर फोर्थ आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन है. सांस नहीं लेना है, सवाल सॉल्व करना है, मतलब ये वाली पढ़ती चाहिए यहां पर सवाल सॉल्व करते समय. बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे. सवाल नंबर 4, ऑल ड्रेस इज यूनिफॉर्म, सारे के सारे ड्रेस जो हैं वो यूनिफॉर्म हैं. ऑल यूनिफॉर्म इज क्लास एंड देन नो क्लास इज कंप्यूटर. तो यहां दो दो यहां पर सी से है अगर, तो एक को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्लास और कंप्यूटर दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है. एक छोटी छोटी बारीक चीजों को अगर आप उस पर नजर आपकी रहती है, उसको ध्यान देते हैं ना आप, तो बड़ा फायदा होता है. दोनों ही वर्ड, दो दो एलिमेंट ऐसे हैं, इसका नाम सी से शुरू हुआ, हमने क्या कर दिया यहां पर, एक को सी ही छोड़ दिया, को हमने वहां पर थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि भाई ये डिफ्रेंशिएट किया, मतलब वो सी है तो ये कंप्यूटर में सी ओ एम पी लिख दिया, ताकि क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो. सम यूनिफॉर्म इज कंप्यूटर, कुछ यूनिफॉर्म कंप्यूटर है, कुछ भी बोल रहे हो हटाओ इसको. सम क्लास इज ड्रेस, कुछ क्लास ड्रेस है, हाँ एक्सेप्ट करेंगे. Only 2 is the correct answer. आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन है. रिएक्शन उस सेकंड के अंदर. सब आएगा रे बाबा, हर तरह के सवाल सेशन में हैं सिलोलिज्म के. रिलैक्स, देखते रहिए पूरा सेशन. चलें. All beaches are deltas. That means this is beach, this is delta. All deltas are cushion. No cushion is wave. लगभग पिछले सवाल की तरह ही ये सवाल. Some beaches can be wave. कुछ beach ऐसे हैं जो wave हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते. No delta is wave. No delta is wave. बिल्कुल accept करेंगे. Only second follows the correct answer. लगभग इस सवाल का जो framing था वो पिछले सवाल से मिलता जुलता था. सवाल नंबर 4 एंड सवाल नंबर 5 is approximately same. वेन डायग्राम तो सेम ही था, और कंक्लूजन में हल्का सा डिफ्रेंशिएट किया गया, ताकि ऑफकोर्स आपके नॉलेज जो है सिमिलर वेन डायग्राम पे काफी क्लियर हो. वो लोग बोलते हैं प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस ये होता है. आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, टाइमर ऑन करते हैं.
चलते हैं. नो पेज इज पिन, दैट मीन्स कि दिस इज पेज एंड पिन, पेज और पिन में यहाँ पर प्रतिबंध है. ऑल पिन्स आर निडल एंड देन सम पिन्स आर शार्प. अब यहाँ पर क्या है, शार्प को आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि भाई पिन से शार्प का रिलेशन सम का है, लेकिन उसके लिए शार्प को इस निडल से मिलना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं. बहुत बढ़िया वेंडारम बनाया यार, बहुत बढ़िया, दिस वेंडारम इज वेरी गुड. चलिए, ऑल शार्प बिंग निडल इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो शार्प हैं वो निडल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज शार्प का रिलेशन जो है वो जो भी रिलेशन है पिन से है, और पिन पूरा पूरा खुद ही निडल में है, और जो शार्प बाहर है वो तो निडल में आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबिलिटी लगा दिया गया है. सम निडल आर नॉट पेज बोल रहा है, कुछ निडल ऐसे हैं जो पेज नहीं. हमने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो आपका पिन है, ये जो पिन आपको दिख रहा है, ये क्या है, पेज नहीं है. और ये पिन कितना पार्ट है इसके आपके निडल का, तो ऑफकोर्स सम पार्ट है, तो हम ऑफकोर्स एक्सेप्ट करेंगे सेकंड वाले को भी. दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड टू मार्क ऑप्शन नंबर 5 एज अ करेक्ट आंसर, मतलब पांचवा विकल्प यहां सबसे सटीक है. आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है और टाइमर ऑन करते हैं क्विक. अब आपके पास सिंपल वाले क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी का ऐड ऑन होना शुरू हो चुका है. चले, टाइम अप. सम टाइम इज वर्क, सम टाइम इज वर्क, नो स्पीड इज टाइम, नो स्पीड इज टाइम, ठीक है. सम डिस्टेंस इज टाइम, सम डिस्टेंस इज टाइम, ऐसा कुछ वेंडारम बनाया यहाँ पर. सम टाइम इज वर्क, ठीक है, नो स्पीड इज टाइम, एंड देन हमारे पास सम डिस्टेंस इज टाइम, परफेक्ट है. सम वर्क इज नॉट स्पीड बोल रहा है, कुछ वर्क ऐसे हैं जो स्पीड नहीं है. हमने कहा भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये वाला जो पार्ट वर्क का है जो टाइम में दिख रहा है वो तो स्पीड नहीं है, पहला बिल्कुल ट्रू है. ये सबसे कॉमन वेन डायग्राम है पूरे सिलोलिज्म चैप्टर का. अगर आप सिलोलिज्म सॉल्व करते हो तो आपको सबसे कॉमन जो वेन डायग्राम नजर आता है वो यही वाला नजर आएगा आपको, सबसे कॉमन दिस वेन डायग्राम, सम ए आर बी एंड नो बी आर सी. दिस इज अ वेरी कॉमन वेन डायग्राम, और इसमें से अच्छे अच्छे कंक्लूजन निकल के आते हैं. इसी का रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब इधर ए रहेगा, यहां बी है और इधर सी हो जाएगा, क्या दिक्कत है, गेटिंग माई पॉइंट. तो ये बड़ा अच्छा वेन डायग्राम हुआ करता है, और इसको आप अगर इसके इसके आसपास इतने भी निष्कर्ष हैं, उसको आप पहले से उस पर विचार करके रखते हैं, उससे कंक्लूजन निकाल के रखे हो, उसकी एनालिसिस करके रखे हो, तो देट विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन नो फ्रिक्वेंट यू कैन से माइक्रो सेकेंड्स. सवाल नंबर सेकेंड की बात करते हैं. ऑल वर्क बींग डिस्टेंस इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे वर्क डिस्टेंस हो सकते हैं. यहाँ पर ऑफकोर्स नो रिलेशन आपस में, संभावना में सारी बातें प्रबल. ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5, दैट इज बोथ. आई होप सबका आंसर सही है. आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन करते हैं. जल्दी से रेट किए सवाल में प्लीज. हाँ, वो शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट था एग्जैक्टली. यश कुमार, आई विल आंसर योर क्वेश्चन वंस आई विल टेक ब्रेक. ओके, डू नॉट स्पैम, आई हैव रेड योर कॉमेंट, आई विल रिवर्ट इन दैट. All milk is honey. सारे के सारे milk जो हैं वो honey हैं, ठीक है. And some water is sugar. Some water is sugar हटा दीजिए. No sugar is. There is something wrong in the question. मतलब wrong क्या कह सकते हैं, element connected नहीं है आपस में, ठीक है. हम इसको अलग से draw करना पड़ेगा हमें. That means this elements are not connected here. ठीक है ना, मतलब यहाँ पे honey का connection sugar से नहीं है. सो नो वरीज, हमारे पास यहाँ पे हमें यही मतलब इसको देख के ही बोलना पड़ेगा आपको. जैसे सम वाटर इज शुगर आप करोगे, फिर नो शुगर इज सिरप करोगे, ठीक है ना. अब दिक्कत क्या है कि ये अलग वेंडाराम है, ये अलग वेंडाराम है, दोनों ही एलिमेंट अलग हैं. नो हनी शुगर, अब हनी का शुगर से कोई रिलेशन नहीं, कट कर दीजिए. नो मिल्क इज शुगर, अब मिल्क यहाँ पर यहाँ है, शुगर यहाँ, कोई मतलब नहीं, मतलब दोनों रॉन्ग कीजिए. करेक्ट आंसर इज नीदर नॉर. तो घबराना नहीं है, मिस्टेक भी नहीं कह सकते आप, इसे कह सकते हैं ठीक है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया गया आपके लिए, मतलब एरर नहीं कह सकते आप. एग्जामिनेशन भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि दो मतलब तीन सेट ऑफ स्टेटमेंट में कोई एक अलग हो, या फिर दो एक साथ है एक अलग है, ऐसा हो सकता है. फिर चार सेट ऑफ स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट आपस में, दो दो सेट ऑफ सेंटेंसेज जो आपस में कनेक्टेड ही ना हो. सो इन दैट केस वी विल गो फॉर नो रिलेशन ऑफकोर्स. सीधा नो रिलेशन क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पर मिल्क का इन सबसे कोई रिलेशन थोड़ी है, या फिर हनी का कोई रिलेशन थोड़ी है इन सबसे, नहीं कनेक्टेड ही नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है ना. ठीक है, आगे बढ़े. सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान रखिए, और 20 सेकंड्स टाइमर इज ऑन, सो रिएक्ट इन द क्वेश्चन. नहीं नहीं, इधर और नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों ही कंक्लूजन जो थे नो के साथ थे, इधर कैसे हो जाएगा.
सम एलिफेंट्स आर डॉग, सम एलिफेंट्स आर डॉग, सम लायंस आर डॉग, सम लायंस आर डॉग, ऑल कैट आर एलिफेंट, ऑल कैट आर एलिफेंट. ये आपका वेंडाराम है, सारे सारे आपस में घुले मिले हुए हैं. अच्छा, ऑल है पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पहला सम पढ़ रहा हूँ. पहले हमारे पास है ऑल एलिफेंट आर डॉग्स, ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, देन सम लायंस आर डॉग, सम लायंस आर डॉग, एंड देन ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ऑल कैट्स आर एलिफेंट. दिस इज वॉट वेंडाराम आस्क यू. एटलीस्ट सम डॉग्स आर कैट, एटलीस्ट ऐसा वर्ड है एटलीस्ट जो आपको सिर्फ कंफ्यूज ही करेगा. दैट मीन्स आपको कभी भी इस वर्ड को बहुत ईमानदारी से या बहुत शिद्दत से पढ़ना ही नहीं है, या आपको सिर्फ कंफ्यूज कर सकता है. सम डॉग्स आर कैट, बोला कुछ डॉग कैट है, हमने कहा हाँ बिल्कुल है. ऑल कैट्स बींग लाइन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑफकोर्स कैट और लाइन में कोई रिलेशन नहीं है, संभावना में तमाम बातें सही. दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दोनों के दोनों सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है. सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन करते हैं जल्दी से क्विक. एक्सक्यूज मी वाला एग्जैक्टली. सवाल नंबर 10 में कहा गया नो टीचर इज स्टूडेंट, दैट मीन्स टीचर और स्टूडेंट में यहां पर रहेगा रेस्ट्रिक्शन, वेरी क्लियर. ऑल टीचर्स आर प्रिंसिपल, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल हो गए. नो प्रिंसिपल इज क्लास, दैट मीन्स प्रिंसिपल का प्रतिबंध रहेगा किससे, क्लास से. बहुत बढ़िया, ये आपका वेन डायग्राम है, क्लियर है सभी लोग. नाउ वी हैव टू कंक्लूजंस. नो क्लास इज टीचर, बोल रहा कोई क्लास टीचर नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है. बिकॉज यहां पर जब क्लास का प्रतिबंध प्रिंसिपल से है और पुअर टीचर प्रिंसिपल के अंदर है, दैट मींस क्लास का प्रतिबंध टीचर से तो होगा ही होगा. बहुत क्लियर है, पहला सही है. सम प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टूडेंट, बोला कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं है. हमने कहा हाँ भाई, जो टीचर हैं वो पूरे पूरे टीचर का प्रतिबंध किससे है, स्टूडेंट से. और ये टीचर जो है वो कुछ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल है, तो कुछ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल जो कि टीचर है वो स्टूडेंट नहीं है. बिल्कुल सही बात है, बोथ ट्रू. ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से हमने 10 सवाल अभी जो कंप्लीट किए हैं, इन 10 सवाल को हम बोलते हैं सिंपल सिलॉलिज्म. दीज आर द क्वेश्चन जहां पे आप बेसिक्स क्लियर करते हैं. मतलब ये जो पहले 10 सवाल आपने सॉल्व किए अभी फिलहाल, इस 10 सवाल के बाद अपने स्कोर बताइए मुझे कि क्या आपने नियत समय में, मतलब 20 नहीं तो किसी सवाल में हो सकता है 30 सेकंड्स खर्च हो गए हों, 25 सेकंड खर्च हो गए हों, लेकिन उससे अधिक खर्च हुआ है तो उसको आप स्कोर में काउंट मत कीजिएगा. लेकिन अगर उस 20 सेकंड के इर्द गिर्द सेकंड में अगर खर्च आपने सवाल सॉल्व किया और सवाल के उत्तर सही हैं, तो आप उसे मार्क्स के तौर पर काउंट कर सकते हो और बता सकते हो कि आपके कितने सही हुए हैं. बिकॉज इसके बाद जो सवाल आने वाला है, सवाल नंबर 11 से 20, वो होगा सेकेंडरी कीवर्ड के साथ, थोड़ा सा ट्विस्ट बढ़ेगा, वहां पर आप थोड़े स्लो हो सकते हैं. मतलब सवाल नंबर 11 से जो 20 हम करने वाले हैं वो सवाल होगा सेकेंडरी कीवर्ड्स के साथ, जहां पर सवाल में आपको परसेंटेज 50% 100% 0% ऑलमोस्ट ऑल एटमोस्ट एटलीस्ट इस तरह के मैक्सिमम मिनिमम हर तरह के सवाल आपको वर्ड नजर आएंगे. एटलीस्ट के साथ आपके साथ एनी हो सकता है, एवरी हो सकता है, नन हो सकता है, ये तमाम वर्ड्स आपको नजर आने वाले हैं. सो 10 में 10 कुछ लोग मतलब कि 9 पे भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर 8 पे भी हैं, लेकिन 8 से नीचे वाला स्कोर तो नज़र नहीं आ रहा. मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि इस लेवल पे तो आप तैयार हैं, लेकिन क्या अगले लेवल पे तैयार हैं. लेकिन अपने आप से सही रहना बहुत ज़रूरी है. मतलब मैं आपके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट चल रहा है स्कोर को लेके, वो मुझे, मैं उसको सही मान रहा हूँ, उसके आधार पर मैं कंक्लूजन दे सकता हूँ आपको कि आप सही जा रहे हैं. लेकिन देखते हैं सवाल नंबर 11 से 20 में आप कहाँ रहते हैं. सवाल नंबर 11 से 20 के लिए तैयार हो जाइए. सवाल नंबर 11 से 20 जो आपके पास नज़र आने वाला है वो सेकेंडरी कीवर्ड के साथ होगा. फिर से याद दिला दूँ आपको, रेडी स्टडी एंड गो. सवाल नंबर ये रहा 11 और ये रहा आपका टाइमर ऑन. अब यहां से सवाल में थोड़ी गंभीरता बढ़ गई है, ध्यान से कीजिएगा भाई. नन स्टेम इज प्लांट, दैट मींस कि नन का मतलब क्या है, नो ऑफ कोर्स, तो नो स्टेम इज प्लांट. ठीक है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको 11 से 20 में. एनी प्लांट आर ट्रीज, अब एनी का मतलब क्या हो जाता है, ऑल हो जाता है, वेरी सिंपल. ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, दैट मींस प्लांट और ट्री इस तरीके से रहने वाले हैं. सम रूट्स आर ट्रीज, दैट मींस की रूट ऑफ कोर्स ऐसे रहेगा. तो हल्का सा ट्विस्ट था लेकिन पकड़ लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं. ईच ट्रीज बींग स्टेम इज अ पॉसिबिलिटी, ईच का मतलब क्या होता है, ऑल होता है. फिर से यहां पर क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो ऑल. So all trees being stems is a possibility. All trees being stem is a possibility. नहीं, possible नहीं है. Because ये जो plant है ना, ये stem नहीं हो सकता, इसलिए सारे के सारे tree नहीं हो सकते. That is पहला क्या हो गया, wrong हो गया. Second की बात करते हैं. Maximum trees are plant. Maximum का मतलब क्या हो जाता है, sum हो जाता है. इसका मतलब क्या है, sum.
तो सम ट्रीज आर प्लांट, कुछ ट्री प्लांट है, बिल्कुल है, दैट मीन सेकंड फॉलो कर रहा है आपका. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू, दैट इज ओनली सेकंड फॉलो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप सबका सही जा रहा है. कुछ लोगों ने यहाँ पे चार कहा है, दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को गलत सॉल्व किया है, तो इसके स्कोर मत काउंट कर लेना. आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है और इसका टाइमर ऑन करते हैं. रफ्तार में कोई कमी नहीं रखिएगा भाई, रफ्तार में चलना है, बिल्कुल बिल्कुल रफ्तार में चलना है. चलें, सवाल में बोला गया 50% स्कूल आर क्लासेस, दैट मींस कि 50% का मतलब क्या हो गया, सम. We cannot say all, we cannot say no. That means some school are classes. Very clear. No class is the table. That means कि कोई class table नहीं है. बहुत बढ़िया. Every table is a chair. That means कि all table are chair. अब यहाँ पर दो word ऐसे थे जो C से है, एक class है और chair है. तो आप एक को आप C से और एक को आपने properly वहाँ पर लिख दिया है properly. इस तरीके से differentiate कर दिया कीजिए. This is your Venn diagram. आगे बढ़ते हैं. सवाल में कहा गया 40% schools are not table. बोल रहा है 40% मतलब क्या, फिर से सम. बोला कुछ स्कूल ऐसे हैं जो टेबल नहीं है. हमने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 40% स्कूल आर नॉट टेबल. बिल्कुल सही है. 40% का मतलब क्या हो गया, सम हो गया यहाँ पर. इसका मतलब हो गया सम. सम स्कूल्स आर नॉट टेबल, सम स्कूल्स आर नॉट टेबल. हमने कहा बिल्कुल सही बात है, बिकॉज क्लास का प्रतिबंध टेबल से पूरी तरह से है और स्कूल का कुछ पार्ट क्लास में है. दैट मीन्स ऑफकोर्स हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे. एटलीस्ट सम चेयर्स आर क्लासेस, एटलीस्ट सम चेयर्स आर क्लासेस. दैट मीन्स एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है इग्नोर करो इसको, क्योंकि इसका मतलब भी एक्सक्यूज मी. इसका मतलब क्या है, एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी से दूर रहिएगा आप, है ना, सख्त बने रहना है. सम चेयर्स आर क्लासेस, कुछ चेयर जो है क्लासेस है. मतलब क्या बोल रहे हो बे, पागल हो क्या ऐसे. ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट द आइडिया. आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना. सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन करते हैं क्विक. अभी पूरे 50 सवाल देखने हैं, अपने को ध्यान रखिए, पूरे 50 सवाल देखने हैं. सवाल नंबर 13 पे है, लेकिन अभी आधे घंटे का पूरा समय बचा हुआ अपने पास, आराम से कर लेंगे. एनी लाइंस आर रेड, एनी का मतलब क्या होता है भाई, ऑल होता है. मैं सारे लिखूंगा नहीं, मैं बोलता भी जाऊंगा, आप भी नोट करते रहिए अपनी तरफ से, आप भी स्ट्रेस रहिए थोड़ा सा. एनी लाइंस आर रेड, दैट मीन्स की ऑल लायन इज रेड. क्लियर है. नन मंकी इज रेड, दैट मीन्स रेड का प्रतिबंध मंकी से यहाँ पर इस तरीके से. नन मतलब नो. एवरी डॉग इज लायन, दैट मीन्स सारे के सारे जो डॉग हैं वो लायन है. एवरी का मतलब क्या होता है भाई, ऑल होता है. ऑल डॉग्स आर लायन, दैट मीन्स डॉग जो होगा लायन के अंदर होगा. नो नन डॉग इज अ मंकी, नन डॉग इज अ मंकी, बिल्कुल सही बात है. ईच डॉग्स आर रेड, बोला सारे के सारे जो ईच है मतलब कि ऑल हो गया. ऑल डॉग्स आर रेड, हाँ बिल्कुल सही बात है. बोथ ट्रू. ऑप्शन नंबर 5 इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. रफ्तार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. सवाल बहुत तकलीफ वाला नहीं है. तीन स्टेटमेंट, दो निष्कर्ष, मतलब सवाल को इसको पढ़ने के साथ आपको इस पर वेन डायग्राम ड्रॉ करने में अधिकतम सेकंड जो लगना चाहिए वो 10 सेकंड लगना चाहिए, और 5-5 सेकंड का आए पास एक एक कंक्लूजन पे. मतलब 5 सेकंड बहुत होता है रिएक्शन करने का. अगर आप ये अगर सुस्ता के सवाल को सॉल्व करेंगे तो सुस्ता के करेंगे तब तो नहीं हो पाएगा. अगर आप इस तरीके से सवाल को के सामने पेश आ रहे हैं कि नहीं मुझे एग्जामिनेशन में मैं बैठा हुआ हूं, तो आप 20 सेकंड में इस सवाल को आराम से कर सकते हैं. इस तरह के तमाम सवालों को कर सकते हैं. हाँ, ये जब हो सकता है कि अब यहाँ पे ओनली फ्यू और बहुत 3-4 यहाँ पे कंक्लूजन हो गया, तो आपके पास समय ज़्यादा खर्च होना चाहिए. फिलहाल जो जितना मासूम स्टेटमेंट और जितना मासूम कंक्लूजन है, उस लिहाज से इसके लिए 20 सेकंड्स आई थिंक इनफ है, ठीक है ना. सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, टाइमर ऑन करते हैं क्विक. अभी आएगा, ओनली फ्यू भी आएगा, सब आएगा. चले, मोस्ट ऑफ मिल्क इज टी, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, सम, है ना. तो सम मिल्क इज टी, वेरी क्लियर. आगे बोलता है नो टी इज कॉफी, वेरी क्लियर. आगे बढ़ जाइए, ऑल मिल्क इज वाटर, दैट मीन्स मिल्क यहां वाटर यहां. चलिए, एनी वाटर इज डेफिनेटली टी, एनी मतलब ऑल वाटर इज टी. क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो. एटलीस्ट सम वॉटर इज कॉफी, बोला कुछ वॉटर कॉफी है. क्या बोल रहे हो भाई, कोई मतलब नहीं बताया. इतना क्लियर रहना आपको. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. बोथ रॉन्ग यहां पर. डी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ जाइए. सवाल नंबर एनी का मतलब होता है, एनी का मतलब होता है ऑल. इसका मतलब क्या होता है, ऑल. इसने बोला एनी वॉटर इज डेफिनेटली, कोई इग्नोर कीजिए फिर से. ये भी आपका वही वाला वर्ड, एक्सक्यूज मी वाला वर्ड. भावुक करता है, जो भावुक करता है दूर रहो उससे, अदरवाइज
खत्म हो जाओगे फिर. तो ऑल वॉटर इज टी, ऑल वॉटर इज टी, क्या बोल रहे हो? सम होता तो एक्सेप्ट कर लेते. सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन करते हैं प्लीज जल्दी से. चले सवाल नंबर 15 में बोला गया एटलीस्ट सम मिल्क इज टी, दैट मीन्स की सम मिल्क इज टी, अगेन नो टी इज कॉफी, कोई भी टी कॉफी नहीं है, एंड ऑल मिल्क इज वाटर, सारे के सारे मिल्क जो है वाटर है. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टी इज वाटर. ऑलमोस्ट ऑल का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब भी हो जाएगा सम, सम टी इज वाटर, कुछ टी वाटर है. हमने कहा हाँ, अब सही हो तुम. ऑल वाटर इज टी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे वाटर टी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बोथ ट्रू, दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना, पहले सवाल में सब गए. हे भगवान, ऑलमोस्ट ऑल बोला तो ऑल थोड़ी होगा यार. हे भगवान, देवा सुनने का. ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लास आर इंटेलिजेंट. सब बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या मानेंगे आप? सब, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट गॉट 60% मार्क्स, दैट मीन्स 1 से लेकर 100 तक के हर एक बच्चे को, जो 1 से लेकर 100 बच्चा पढ़ रहा है, सबका 60% प्लस आ गया. नहीं, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई 98 का आ गया, 95% लोगों का आ गया, लेकिन 2-4% भी अगर नहीं है तो वो सब सम के अंदर आएंगे. क्या बैंकर बनेगा रे तू? इस कंडीशन में तो नहीं बनेगा. सुधारो अपने आप को, चलो आओ इधर. सवाल नंबर सबका गया, सब कट, सबका कटा इसमें, मतलब सब सारे का, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हुआ है. सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा. एटलीस्ट को इग्नोर करना है, अटमोस्ट को नहीं करना है, ऑलमोस्ट का नहीं करना है इग्नोर. भावुक हो गए आप लोग. चले मिनिमम एप्पल आर मैंगो, दैट मीन्स कि मिनिमम का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स सम होता है. तो मिनिमम एप्पल आर मैंगो, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, एंड 0% ग्रेप्स आर गुआवा, दैट मीन्स 0% मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है नो, नो ग्रेप्स आर गुआवा, दैट मीन्स कि ये आपका हो गया गुआवा, ऐसे कर लो, है ना, इसमें प्रतिबंध हो गया. चलिए, सम मैंगो बिंग गुआवा इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैंगो के गुआवा होने की संभावना है. भक कभी नहीं हो सकता, बिकॉज पूरा पूरा मैंगो जो है वो ग्रेप्स के अंदर है, पूरे ग्रेप्स का प्रतिबंध गुआवा से, तो कैसे हो सकता है भाई? नो एप्पल इज गुआवा इज अ नो. अच्छा अच्छा अच्छा, ओह अमेजिंग. नो एप्पल इज गुआवा इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स इज नॉट ए पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? यू नीड नॉट टू रीड दिस, बहुत उम्दा. नो एप्पल इज गुआवा, वैसे तो नहीं बोल सकते इसको हम लोग, नो एप्पल इज गुआवा ही इतना ही पढ़ना था आपको, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी को पढ़ना ही नहीं है. नो एप्पल इज गुआवा बोला गया, बोला कोई एप्पल जो है गुआवा नहीं है. हमने बोला नहीं बोल सकते, संभावनाओं में बोल सकते हैं, बिकॉज सम पार्ट ऑफ एप्पल इज एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द गुआवा, नो डाउट, बट वॉट अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ एप्पल? बचे हुए एप्पल का पार्ट के बारे में क्या कहना हमारा? कुछ भी नहीं कहना, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट ब्लैंक स्पेस ऑफ एप्पल. तो हम बोलेंगे कुछ पार्ट एप्पल का तो प्रतिबंधित है गुआवा से, तो सम एप्पल आर नॉट गुआवा तो सही है. नो एप्पल इज गुआवा बोलने के लिए हमें संभावनाओं का प्रयोग करना है. इसने बोला है कि नो एप्पल आर गुआवा इज नॉट ए पॉसिबिलिटी. नॉट ए पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी नहीं, वास्तविकता की बात कर रहा है. दैट मीन्स यहां दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नाइदर नॉर. आई होप सबको समझ में आ रहा हो क्या चल रहा है. ठीक है, सवाल नंबर मतलब कुल मिला के जानते हो सिस्टम क्या चल रहा है, कि सिलोलॉजिज्म इस अवतार में जब आता है तो कहता है कि देखो सुनो, ऐसा है कि अब हम वो वाला सिलोलॉजिज्म नहीं रह गया जो लिबर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, तो वो ये वाला सिलोलॉजिज्म है. ठीक है ना, तो ध्यान से कीजिएगा. सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, टाइमर ऑन करते हैं. चलें, टाइम अप.
ऑल पावर आर स्ट्रांग, दैट मीन्स कि ये पावर है और ये हमारा है स्ट्रांग. सम स्ट्रांग आर नॉट लीडर, दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ स्ट्रांग इज रेस्ट्रिक्टेड टू लीडर, वेरी क्लियर. एनी लीडर इज फैट, दैट मीन्स सारे के सारे लीडर जो हैं फैट हैं. बिल्कुल सही बोला है, वास्तविकता है इसमें लगभग, है ना, ठीक है. इसमें आते हैं, एनी लीडर आर पावर इज अ प्रोहिबिटिव, एनी लीडर मतलब फिर सॉरी ऑल लीडर आर पावर इज अ प्रोहिबिटिव, सारे के सारे लीडर जो है वो पावर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं. बिकॉज लीडर का प्रतिबंध किससे, सम पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग से. व्हाट अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, खाली है भाई, अपन इसमें आराम से संभावना में खेल सकते हैं. बिकॉज इसका जो प्रतिबंध है लीडर का वो कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग से और वो इसी से है, ये हम क्लियर नहीं. जब क्लियर नहीं है तो संभावना में सारी बातें सही है. सम फैट आर स्ट्रॉन्ग इज इज अच्छा अच्छा सम फैट आर स्ट्रॉन्ग इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, समझ रहे हैं, ये गेम है भैया, गजब का ट्रैप है वो, अगर आप स्लिप कर गए छिटा जाएंगे. सही बता रहे हैं, सम फैट आर स्ट्रॉन्ग, कुछ फैट जो है वो स्ट्रॉन्ग है. भाग कहां है, सम फैट आर स्ट्रॉन्ग, इसको यहीं तक पढ़ना है, इसको यहीं तक पढ़ना है. इसने बोला है इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, आपके लिए बहुत बढ़िया इनस्विंग है ये, कह सकते हैं आप एकदम यॉर्कर मारा जा रहा है, मतलब एकदम सीधा बोल्ड हो जाएंगे इस पे अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो. इज नॉट ए, इज अ पॉसिबिलिटी नहीं है, इज नॉट ए पॉसिबिलिटी है. इसने कहा सम फैट आर स्ट्रॉन्ग, कुछ फैट स्ट्रॉन्ग है, कोई मतलब ही नहीं बनता यहां पर, काटो इसको. ओनली फर्स्ट फॉलोस, फिर से आप गलत हो गए ना, फिर से गलत हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. चलो सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन करते हैं जल्दी से, क्विक. चलिए देखते हैं, 100% सन इज सन आर मून, दैट मीन्स कि ऑल सन आर मून. मेनी स्टार आर मून, दैट मीन्स मेनी का मतलब होता है अगेन सम. सम स्टार आर मून, दैट मीन्स कि ये सन है, सम स्टार आर मून, स्टार ये रहा, ठीक है. नो स्टार इज प्लैनेट, ये हमारा वेन डायग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, मच सन आर स्टार, मच मतलब फिर से क्या, तो सम. मच मच मतलब पूरा नहीं होता कोई चीज, जीरो नहीं होता है, बीच में होता है. तो मच सन आर स्टार, दैट मींस कि कुछ सन स्टार हैं. हम लोग भाग पागल हो यार, क्या एकदम सन स्टार में रिलेशन नहीं है, तुम कुछ भी बोल रहे हो यार. मोस्ट ऑफ प्लैनेट्स आर सन इज अ पॉसिबिलिटी, मोस्ट ऑफ मतलब सम, सम यहां पे सम लिख सकते हैं, सम प्लैनेट आर सन इज अ पॉसिबिलिटी, सम प्लैनेट आर सन इज अ पॉसिबिलिटी. हाँ हाँ आन दो, हम तो कहते हैं सारे सारे प्लैनेट को सन सन में लेके आ सकते हो, तो इसकी बात तो हम एक्सेप्ट कर ही सकते हैं. वेल, सेकंड फॉलो इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, आई होप सबका आंसर सही होगा. सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन करते हैं, क्विक, बी अ बिट क्विक प्लीज. चलें सवाल सवाल नंबर 19, फ्यू कप्स आर प्लेट्स, दैट मीन्स कि कुछ कप यहां पर प्लेट्स हैं. एंड सम प्लेट्स आर फाइबर, दैट मीन्स दिस इज अगेन फाइबर. नो प्लास्टिक इज कप, नो प्लास्टिक इज कप, प्लास्टिक ऐसे कर लो, नो प्लास्टिक इज कप, ये आपका प्लेट था, ठीक है. अ फ्यू फाइबर आर कप इज, अ फ्यू मतलब फिर से क्या हो गया, सम हो गया. फ्यू का मतलब तो सम है ही, अ फ्यू का मतलब भी क्या होता है, सम. सम फाइबर आर कप इज अ पॉसिबिलिटी, सम फाइबर आर कप इज अ पॉसिबिलिटी. हाँ हाँ होन दो, कोई दिक्कत नहीं, नो रिलेशन है, संभावना में सही है. मेनी प्लास्टिक आर प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी, मेनी मतलब फिर से क्या, सम. सम प्लास्टिक आर प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी, सम प्लास्टिक आर प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी. हाँ हाँ होन दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ टू, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर. एकदम इतना क्लियर होना है, साफ स्वच्छ स्पष्ट ऐसे होना पड़ेगा, तब जाके आप बोलेंगे. और जानते हैं हर कॉम्प्लिकेटेड हर लेवल के क्वेश्चन पे, ये नहीं पहला वाला जो 1 से 10 नंबर सवाल था उसमें सबका एकदम रॉकेट साइंस, 10 में 10 कितना स्कोर किया, 10 में 10. इस बार कोई बोल के दिखाए 10 में 10, मैं जानता हूं नहीं हुआ है, सबने मिस्टेक किया है. सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, यह रहा टाइमर, जल्दी करो. इसके बाद ओनली फ्यू आएगा 21 से लेकर 40 तक में, अगले 20 सवाल इसके बाद लगातार आएगा, देखते हैं कहां तक कर पाएंगे. हां करने की कोशिश रहेगी पूरी. चलिए जल्दी करिए प्लीज. सवाल नंबर 20, एनी एरोगेंट आर टेबल, अच्छा ठीक है. ऑल एरोगेंट आर टेबल, ठीक है. सम टेबल आर ट्री, ओके परफेक्ट.
एंड ईच ट्री इज पैरट, दैट मीन्स कि सारे के सारे ट्री जो है वो पैरट है. ईच मतलब ऑल हो जाता है. एनी ट्री आर एरेगेंट, मतलब ऑल ट्री आर एरेगेंट, नो रिलेशन काटो इसको. ऑलमोस्ट ऑल मतलब सम हो गया. सम ट्री आर नॉट एरेगेंट, निगेटिव बात तो कर ही नहीं सकते बेटा. सब सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव में, बात खत्म है. मतलब नीदर नो इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो द पॉइंट इज यहां पर क्या है, ऑल है और यहां पे सम नॉट है. ध्यान समझिएगा, यहां पर एनी है, एनी ट्री एरेगेंट, ट्री एरेगेंट. ध्यान समझिएगा, ट्री यहां पर, एरेगेंट यहां पे, ट्री यहां पर, एरेगेंट यहां पे. ऑल है. एनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है. इसका मतलब क्या है, ऑल. ऑलमोस्ट ऑल का मतलब क्या होता है, सम. और आपको पता होगा ऑल और सम नॉट के केस में हमारे पास अगर एलिमेंट कॉमन है तो ऑफकोर्स आइदर होता है. दैट मीन्स विल हैव टू गो फॉर, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर मैंने मार्क किया नहीं, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आइदर और, ठीक है ना. हाँ मैंने मार्क कर दिया था, लेकिन मतलब मुझे आइदर ही बोलना था. बिकॉज ट्री ट्री एरेगेंट एरेगेंट, एनी मतलब ऑल, ऑलमोस्ट ऑल मतलब सम. ऑल ऑल और सम नॉट में क्या होता है, आपका एलिमेंट अगर कॉमन है तो आइदर होता है, अगर दोनों गलत हो गए तो. दोनों गलत यहाँ पर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो एक बार अपने स्कोर बता दीजिए, अब तक क्या रहा स्कोर. मतलब कि अब सब लोग क्या करेंगे पता है, अब सब लोग चूंकि स्कोर जो है वो सेकंड अभी जो 11 से 20 वाला था उसमें थोड़ा सा स्कोर कम हुआ है, तो अब लोग बताएंगे नहीं कि अभी वाला 10 में कितना हुआ. अब देखो बहुत लोग बता रहे हैं 20 में से कितना किया मैंने. बड़े स्मार्ट लोग हो यार. मतलब मान लो किसी का दो सवाल इस वाले में सही गलत हुआ है और पिछले वाले में क्या है कि 10 के 10 सही कर दिए, तो जोड़ के 18 तो अच्छा लगता है बोलने में, 20 में से 18. एनीवेज बढ़िया है. सो ठीक है, जो भी है अच्छा रिएक्शन आपकी तरफ से, अच्छा है आप सीख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. अब बताइए ये सब सवाल में अगर ऐसे एनी छुपाओ पा के रखेगा तो कहाँ इधर पकड़ाएगा लोगों से. मिस्टेक तो करोगे ही करोगे, इट इज डैम क्लियर. ठीक है ना. चलिए सेकेंडरी कीवर्ड बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, बता रहा हूं मैं. आप ओनली ऑफ फ्यू देखते रह जाइए, पता चला गेम जो पूरा खेल के चला गया एग्जामिनेशन में वो सेकेंडरी कीवर्ड है. आप परेशान थे इस बात पे कि ओनली ऑफ फ्यू आपके जीवन में चरस बो रहा है, लेकिन यहाँ पे असली तरीके से देखा जाए तो ये आके आपका जीवन जो है खराब कर चला गया. दो तीन नंबर कटवा दिया आपका, और आप पता चला एग्जामिनेशन में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो 0.5 या 0.25 मार्क्स हुई है, तो सारा सारा पाप का जो पूरा बोझ होगा इसके सर पर आ जाएगा सेकेंडरी कीवर्ड्स. सो डू नॉट टेक एनी सेगमेंट ऑफ एनी चैप्टर इन हल्के में. मतलब यू नीड टू ट्रीट ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ एनी ईच एंड एवरी चैप्टर सीरियसली, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है ना. सवाल आगे बढ़ते हैं लेके. ठीक है ना. अब शुरू होता है सवाल नंबर 21 से, सवाल नंबर 21 से 40, मतलब अगले 20 सवाल तक लगातार हम लोग काम करेंगे बिना रुके. जब तक जॉर्डन सर नहीं आता तब तक काम करते रहेंगे. फटाफट करते हैं. वनली एंड वनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट का सवाल एंटर करने वाला है. सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, टाइमर ऑन. क्विक रिएक्शन. चले. Only a few song are melody, that means कि ये song है, ये melody है, और only a few song, that means कि ऐसा कुछ रहेगा. Only a few melody is film, that means ये film है, और यहाँ से भी क्या रहेगा, ऐसा रहेगा. And then no film is award, ऐसा कुछ रहेगा. All songs being film is a possibility, सारे के सारे song film हो सकते हैं, हो सकते हैं. No relation है यहाँ पर, इन दोनों में no relation है तो of course accept करेंगे. Some melody are not award, कुछ melody award नहीं, accept करेंगे. Both true, आगे निकल जाएंगे फटाक से ऐसे. अब रफ्तार में करूँगा सवाल, बिकॉज 20 सवाल करना है, फटाफट करना है आपको. बस सवाल चाहिए, आपको आंसर मैच करना, निकल जाना आगे. हाँ सवाल चले. सवाल नंबर 22, ओनली अ फ्यू मूवीज आर प्रिंट, दैट मीन्स कि ये मूवीज हैं और ये प्रिंट हैं. ओनली अ फ्यू बोला गया है तो कुछ ऐसा कर लो. सम प्रिंट आर कलर एंड देन ओनली अ फ्यू कलर आर ब्लैक, दैट मीन्स ऐसा कुछ बनेगा. आगे बढ़ जाओ. ऑल ब्लैक कैन बी कलर, ब्लैक यहाँ पे है, कलर यहाँ पे है, हो सकता है सारे सारे ब्लैक कलर हो सकते हैं, सारे सारे कलर ब्लैक नहीं हो सकते. ऑल मूवीज कैन बी प्रिंट, ऑल मूवीज कैन बी प्रिंट ये पॉसिबल नहीं है. ऑल प्रिंट कैन बी मूवीज एक्सेप्टेबल है. जैसे यहाँ बोला मैंने ऑल कलर्स आर ब्लैक पॉसिबल नहीं, ऑल ब्लैक आर कलर पॉसिबल, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. यू नीड टू बी रिएक्टिव यार. मतलब पढ़ा खटाखट सवाल हो रहा है, रोके या कौन पे, इस टाइप से होना चाहिए. ठीक है ना. मतलब सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, ओनली अ फ्यू का 3 स्टेटमेंट. वाओ ध्यान से.
चलिए, ओनली अ फ्यू चार्ट्स आर टर्बाइन, दैट मीन्स कि ये चार्ट है, टर्बाइन है, ओनली अ फ्यू टर्बाइन्स आर पोर्स एंड ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, ऐसा कुछ। तो चार्ट से भी ऐसा कुछ कर लीजिए, टर्बाइन से भी ऐसा कुछ कर लीजिए और पोर्स से भी ऐसा कुछ कर लीजिए, सब में ऐसा लगा हुआ है। सम फैन इज चार्ट, सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हाँ होन दो, कोई दिक्कत नहीं, नो रिलेशन है भाई, होन दो। ऑल फैन आर टर्बाइन, सारे सारे फैन टर्बाइन हैं, नहीं है। सम फैन टर्बाइन, सम फैन इज अ चार्ट इज पॉसिबिलिटी, हाँ होन दो, ओनली फर्स्ट फॉलोज, दैट मीन्स पहला इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, टाइमर ऑन है, जल्दी से रिएक्ट कीजिए, आंसर निकालिए। चले, सवाल नंबर 24, ओनली अ फ्यू एसेस आर क्लब, दैट मीन्स कि ये एसेस हैं और ये क्लब हैं, एंड ओनली अ फ्यू बोला गया है, फिर बोला गया नो क्लब इज जैक, दैट मीन्स ये जैक से प्रतिबंध रहेगा क्लब का, ओनली अ फ्यू जैक इज डायमंड, जैक और डायमंड में आपस में फिर से ओनली अ फ्यू है, ये आपका वेंडारा बना है। सम डायमंड आर एसेस, दैट मीन्स सम डायमंड आर एसेस, नहीं, सम एसेस आर जैक, कुछ एसेस जैक है, नहीं, नेदर नॉर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। रिएक्ट कीजिए, आगे बढ़िए, सवाल नंबर 25 पे एकदम फटाफट बढ़ना, ये नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं, सुस्ता आ रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए भाई, सवाल नंबर 40 तक पहुंचना है अपने को, 15 सवाल और है इसके बाद, फिर 10 सवाल होमवर्क भी है, 50 सवाल मतलब 50 सवाल पूरा करना है। डू नॉट कंप्लेन सर, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं आप, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लासेस कर रखा हूँ, बस रीजंस बताऊंगा, आंसर मार्क करूंगा, निकल जाऊंगा। सवाल में बताया गया ऑल मैकेनिकल आर इलेक्ट्रिकल, दैट मीन सारे सारे मैकेनिकल यहां पर, ये आपके इलेक्ट्रिकल, सम मैकेनिकल आर सम मैकेनिकल आर केमिकल बोला गया, फिर सम मैकेनिकल आर केमिकल बोला गया, एंड ओनली केमिकल बायोलॉजिकल, दैट मीन बायोलॉजिकल यहां पे आएंगे, केमिकल के अंदर आएंगे, इस तरीके से ऑल यहां पे ओनली आ गया, सिर्फ ध्यान रखिए ओनली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑल बायोलॉजिकल आर केमिकल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए बायोलॉजिकल का रिलेशन ना इससे होगा ना इससे होगा, संभावनाओं में भी नहीं हो पाएगा। ऑल बायोलॉजिकल बींग केमिकल, ऑल बायोलॉजिकल बींग केमिकल, हाँ ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इज आर पॉसिबिलिटीज, नो सॉरी, नो पॉसिबिलिटी इज ऑलरेडी देयर, ये पहले से वहां पर है। नो इलेक्ट्रिकल आर बायोलॉजिकल, नो इलेक्ट्रिकल आर बायोलॉजिकल, हाँ प्रतिबंध तो है भाई पहले से, दैट मीन सेकंड पहले बिल्कुल परफेक्टली ट्रू है ना आपका, ये पहला क्या है रॉन्ग है, पहला क्या है रॉन्ग, बिकॉज ये ऑलरेडी वहाँ पे एक्जैक्टली वहाँ पे मौजूद है, दैट मीन सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन करते हैं। सवाल नंबर 26, ओनली पर्क्स आर किटकैट, दैट मीन्स ऑल किटकैट आर पर्क्स, सम मंच आर पर्क्स, सम मंच आर पर्क, ठीक है, नो मंच इज 5 स्टार, ठीक है भाई, सम किटकैट आर मंच, कुछ किटकैट मंच है, नो रिलेशन, ऑल किटकैट आर पर्क, कुछ भी बोल रहे, ऑल किटकैट आर पर्क, एक मिनट क्या था, हाँ ऑल किटकैट आर पर्क, तो ठीक है यार, हाँ मुझे लगा कुछ गलती पढ़ लिया मैं, ठीक है, ओनली सेकंड फॉलो इज द करेक्ट आंसर अगेन। सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन है, जल्दी से क्विक, जल्दी 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 क्विक। चले टाइम अप, चलते हैं, आइए, सवाल में कहा गया ओनली अ फ्यू रेड आर येलोज, दैट मीन्स कि ये रेड है और ये येलो है और यहां पर ओनली अ फ्यू लगाया गया, ऐसे कर दो, ऑल ग्रीन आर येलो, दैट मीन्स कि सारे सारे ग्रीन को इसमें पटक दो लाके, ओनली अ फ्यू येलो आर ब्लू, ओनली अ फ्यू येलो आर ब्लू, दैट मीन्स येलो और ग्रीन नहीं आएगा उसमें, ओनली अ फ्यू येलो आर ब्लू, दैट मीन्स कि येलो यहां पर और येलो का कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टेड कर दीजिए ब्लू से, ब्लू और ग्रीन में कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। नाउ सम ब्लू कैन बी रेड, कुछ ब्लू रेड हो सकते हैं, होन दो भैया, सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू है क्या, है तो नहीं, ओनली फर्स्ट फॉलोज, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया था वेंडारा, मतलब वेंडारा अच्छा था मुझे इसमें, इंटरेस्टिंग जो लगा है वो वेंडारा अच्छा लगा मुझे, कंक्लूजन तो खैर बहुआ था। सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन है, रिएक्ट कीजिए जल्दी से प्लीज। 26 में मैंने क्या किया है, हाँ तो 26 का सेकेंड ही सही है, ठीक है, 28, हाँ ठीक है, सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन है,
ओनली अ फ्यू प्लास्टिक्स आर बॉटल, ओनली अ फ्यू प्लास्टिक्स आर बॉटल, ठीक है ना, एंड ओनली अ फ्यू है ऑफकोर्स, तो ऐसा रहेगा कुछ, नो बॉटल इज ग्लास, नो बॉटल इज ग्लास, ऐसा कुछ रहेगा, ओनली अ फ्यू ग्लास इज टेबल, ग्लास और इसमें भी ओनली अ फ्यू लगा हुआ है, ऑल सॉरी सम बॉटल्स आर नॉट टेबल, कुछ बॉटल जो है वो टेबल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, सम यहां बोला गया सम बॉटल्स आर नॉट टेबल, ऐसा नहीं बोल सकते, सम टेबल्स आर नॉट बॉटल बोल सकते हैं, इधर से इधर नहीं बोल सकते सम, हम लोग सम नॉट नहीं बोल सकते, ऑल ग्लास कैन नेवर बी प्लास्टिक, सारे के सारे ग्लास कभी भी प्लास्टिक नहीं हो सकते, क्या बात कर रहे हो, आराम से हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ऑल ग्लास कैन नेवर बी प्लास्टिक, ऑल ग्लास कैन बी प्लास्टिक एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल सही बात है, ऑल ये बोल रहा है कि ऑल ग्लास कैन नेवर बी प्लास्टिक, मतलब सारे सारे ग्लास तुम कुछ भी कर लो, तुम हिमालय पे जाके तपस्या कर लो, तुम कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर पैदल दौड़ के आ जाओ, लेकिन तब भी नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहा है, समझना रही बात ये, लेकिन ये गलत कह रहा है, यहाँ पे सारे सारे ग्लास जो है प्लास्टिक हो सकते हैं, सारे सारे प्लास्टिक के साथ अगर बोला गया होता ऑल प्लास्टिक कैन नेवर बी ग्लास, तुम बोलते हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इस कंडीशन में नहीं बोल सकते सही बोल रहा है, फिलहाल इधर से इधर नहीं जा सकते, शर्मा जी वर्मा जी कॉन्सेप्ट अगेन यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, नाइदर नॉ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मैं इतना बोलूँगा थोड़ा सा लाइव और लाइक की संख्या बराबर कर लीजिए, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दीजिए, कभी दिल करे तो 30 सवाल के बाद कर लीजिएगा, अभी रुकिए अभी मत कीजिएगा, ऑल कैट्स आर रनिंग, ऑल कैट्स आर रनिंग ठीक है, ओनली अ फ्यू रैट्स आर टाइगर, ओनली अ फ्यू रैट्स आर टाइगर ठीक है, अच्छा ये अलग है भाई साहब, रनिंग और रैट, भाई साहब कन्फ्यूज कर देगा ये लोग तो, ऑल कैट्स आर रनिंग ठीक है, ओनली अ फ्यू रैट्स आर टाइगर, नो टाइगर इज रनिंग, नो टाइगर इज रनिंग, टाइगर यहाँ पे आ गया, एंड ओनली अ फ्यू रैट आर, रैट अलग है, ओनली अ फ्यू रैट आर टाइगर, दैट मीन्स ऐसा कुछ बन डाला है, बहुत प्यारा स्टेटमेंट, ऑल रैट्स आर रनिंग, ऑल रैट्स आर रनिंग, क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, मतलब इस टाइप से कि मतलब क्या बोल रहे हो वे, द रैट विच आर टाइगर कैन नेवर बी रनिंग, द रैट विच आर टाइगर, द रैट विच आर टाइगर दैट मीन्स दिस वन कैन नेवर बी रनिंग, ये कभी भी रनिंग नहीं हो सकता, हाँ सही बोल रहा है, क्योंकि भैया वो टाइगर में हो गया, टाइगर का प्रतिबंध रनिंग से, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्या बात कर रहे हो, दैट कैन नेवर बी, सही है बिल्कुल, दैट मीन्स ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, आई होप सबका आंसर यही आया होगा, सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, टाइमर ऑन है, एक बच्चे का वहां पे कमेंट आया है कि सर मुझे को खुद की हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है, और ये फैक्ट सही है, मतलब ये नहीं सही है, मतलब कहना चाह रहा हूँ ये जो आपने बोला है ये इसके पीछे का तथ्य मुझे पता है, क्योंकि मैं हमेशा ही बोला करता हूँ कि आप इतना मतलब सवाल आया तो ये नहीं सुस्ता के सॉल्व कर रहे हैं, फ्यू बाइक्स आर कार का मतलब है कुछ कार जो है वो बाइक है ठीक है, उसके बाद क्या बोला सम ट्रक आर जीप ठीक है हटा दो, ओनली अ फ्यू जीप इज कार दैट मीन्स की Only a few jeep is car, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे, फिर all trucks, some trucks are jeep ऐसे, this is not the way you should react in the examination, no, sorry, this is not acceptable at all, किसी condition में ये acceptable approach नहीं है सवाल को solve करने का, जो किसी बच्चे का comment आया था, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन ये था कि सर मेरे को खुद का handwriting समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये होता है कि आपको रफ्तार में करना है, और इस रफ्तार में इस लेवल पर रफ्तार रखिए कि अपनी हैंडराइटिंग पहचान लीजिए, बस इतना ही मैं एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ, रफ्तार इतनी तेज हो जैसे फ्यू बाइक इस कार, तो आपको तो हमें तो मतलब ये तो आपको प्रेजेंट भी करना है इसलिए मेरा हाथ उस तरह से चलता है, लेकिन आप इतना कर दीजिए कि आप खुद समझिए क्या लिख रहे हैं बस, क्योंकि आपका अगर अपसीट किसी को देखना नहीं है ठीक है ना, सो फ्यू बाइक इस कार दैट मीन नाउ आई विल ड्रॉ दिस थिंग, फ्यू बाइक इस कार, सम ट्रक्स आर, ओनली अ फ्यू जीप इज कार दैट मीन सॉरी ओनली अ फ्यू जीप इज कार ठीक है, ओनली अ फ्यू जीप इज कार ठीक है, नाउ वी हैव सम ट्रक्स आर जीप कुछ ट्रक सॉरी सम ट्रक्स आर जीप ये ट्रक मान लो सम ट्रक्स आर जीप डन, ये आपका बेंडाराम हो गया ठीक है ना, फ्यू बाइक आर ट्रक्स बोल रहा कुछ बाइक यहां पे यार क्या कर रहा हूं मैं, हाँ फ्यू बाइक्स आर ट्रक कुछ बाइक ट्रक हैं क्या बोल रहे हो, ऑल जीप्स आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी सारे सारे जीप के बाइक होने की संभावना है ऑफकोर्स है कोई दिक्कत नहीं है, ओनली सेकंड फॉलोज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
सवाल नंबर 30 डन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ पर आपका मुझे लगता है कि 30 सवाल तक में अब आपका स्कोर अगर पूछा जाए आपसे कि क्या रहा, तो इस वाले सेगमेंट में ठीक ठाक रहा होगा, बहुत बुरा नहीं हुआ होगा आपके साथ। इसी बीच एक बच्चा आगे कहता है कि मुझे लगता है रिकॉर्डेड सेशन है, इतने कॉमेंट्स ले रहा हूँ फिर भी, परम ज्ञानी है आप। आइए सवाल नंबर 31 पे चलते हैं, अभी हम 40 तक करना है, जब तक जॉर्डन आते हैं तब तक ये काम कर लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पे, टाइमर ऑन, जल्दी से क्विक, ये क्या मजाक है, टाइमर क्यों नहीं ऑन हो रहा है, अच्छा सिस्टम हैंग कर गया है, आप लोग सवाल सॉल्व कर लीजिए तब तक, जब तक ये आपके स्क्रीन पे है, सिस्टम भी हैंग कर गया, बोला भाई क्या चाह रहे हो। रुक जाओ थोड़ा सा, वेट करो, ये अपने आप री देखो यहाँ 32 31 32, ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, वापस आते हैं, ठीक है भाई, अब आजा भाई, हाँ ठीक है, टाइमर नहीं, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं यार, ये कुछ परेशान हो गया बेचारा, ये सिस्टम जो है थोड़ा सा परेशान हो गया है, सिस्टम परेशान हो गया है, बोल रहा मेरे को अब नहीं पढ़ना है, पागल है। अरे देखो ये क्या क्या बन गया है, चलो आओ अब आई थिंक ये सब रिबूट हो गया, अब खुद से खुद सब मैनेज कर लिया है। ओनली अ फ्यू बॉल्स आर स्पून, दैट मीन्स कि ये बॉल है और ये रिज्यूम हो गया, चलो जाओ वापस आ जाओ, अभी पूरा 40 करेंगे अपन, 40 करेंगे बे, आओ ना। ओनली अ फ्यू बॉल इज, ये भी देखो कहाँ कहाँ चल के खुद ही टाइम आउट कर रहा है, ओनली अ फ्यू बॉल आर स्पून, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ है, आगे बढ़ते हैं, सम स्पून आर फोक्स एंड नो फोक इज प्लेट्स, ऐसा कुछ है। Now, few folks are bowl, that means कि कुछ folk जो हैं वो bowl हैं, हमने बोला भक्त। Few plates are bowl, कुछ plate जो है वो bowl हैं, ना। That means neither nor is the correct answer for this question. Jordan sir, अब time, 8-2 हो गया क्या? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही थी। अरे नहीं सर, ये सिस्टम हैंग किया है अभी, मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत देर सही से करके हम सब, देखिए टाइमर भी नहीं चला इस बार, बहुत रफ्तार में चल रहे थे। आदमी का हाथ मतलब जिसमें सेट रहे ना वही करना चाहिए, जैसे आप लोगों को पता होगा ये टेक्निकल पार्ट में बाहें तो इंजीनियर, लेकिन टेक्निकल पार्ट पे बहुत मतलब होता ना, क्या नहीं मतलब क्या टाइमर मतलब यही मतलब टाइमर टाइमर कौन बनवाया वाला बनवाया ना नहीं बनवाया, हाँ तो बनवाया तो उसके लिए हम उसके लिए लोग हैं, अरे उसके लिए लोग हैं, आप आज कौन सा टाइमर यूज कर रहे हैं, हम यही वाला यूज कर रहे हैं, आपने कॉपी यहाँ से किया और फिर डायलॉग मार रहे हैं कि इनका तंग है, क्या तंग है, हम बता रहे हैं हाथ कैसे तंग है, आपने बनवा तो लिया लेकिन उसको लगाना कैसे, ये तो पूछ, हाँ तो लगाया मैंने ही है, लगा तो गलत लगाया ना आप, क्यों गलत लगाया, लगातार परमानेंट बना हुआ है, उसको हटना चाहिए, नहीं वो इसके लिए जान मुझे रखा हूँ, क्या सर आप मतलब क्या, ठीक है मतलब कुल मिला के मतलब ऐसा देखो अभी क्या है कि यार नोटिफिकेशन में मतलब जिससे थोड़ा सा ऐसा पता चला कि थोड़ा विलंब हुआ अभी इस बीच, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अरे 50 तो सवाल लाए थे, हम वही करें बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही है, तो 50 तो चटका देंगे, नहीं हम 40 तक बोले थे, हम पहले जानते 50 नहीं हो पाया, 40 हो गया मिला करके, मसला ये है कि अभी किसी एग्जाम विशेष पे फोकस ना करते हुए, जैसे अभी SBI क्लर्क पे हम लोग का फोकस था, अभी हम लोग कुछ ऐसे सेशंस आपके सामने रखेंगे जो कि सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो, और उसी के लिए इंडिविजुअल टॉपिक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आप सबको भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है ऐसा मुझे है ना, ऐसा अच्छा लग रहा है, आप लोग की संख्या बता रही कि मजेदार है, लड़ लो तुम लोग, ठीक है 35 कर लेते हैं सर, 35 दो चार कर लें, और हर बार वो दो सवाल नंबर सीरीज का पूछता है, अभी देखेगा कि और भी कितने पैटर्न की नंबर सीरीज होते हैं जो आपको पता नहीं है, इसके बाद नंबर सीरीज की ताबड़तोड़ पारी शुरू होने वाली है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है आप यही बोलना चाह रहे हैं, देखो 19 सवाल ही बचा हुआ है,
मैं 19 सवाल आपको होमवर्क दूंगा तो यार मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए भी मटेरियल चाहिए ना बच्चों के लिए। हाँ ठीक है चलो मैं क्या करके आगे बढ़ा रहा हूँ। अब ये तो सिस्टम भी इतना परेशान किया है ना धोखेबाज। सवाल नंबर 32 डन, सवाल नंबर 33 मैं दिखा रहा हूँ पूरा 50 सवाल तक, बस इतना के बाद मैं बंद करूँगा क्लास। 33 डन, 34 अब बना के भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना किसका आंसर क्या है। 34 डन, 35 ठीक है, 36, 37। अचानक से सिस्टम भी क्या होता है ना, लगातार काम करते करते परेशान हो जाता है। तो हो गया 37 हो गया ठीक है, 38, 38 डन, 39 डन, 40 होमवर्क क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैं होमवर्क क्वेश्चन लगा के लेके आया था कि 40 तक कर ही दूंगा मैं और इसके बाद लेकिन तुम भी होते 40 हो जाए समझाना पड़ेगा ना, बीच में हद हो गया यार मतलब ठीक है, ये आज जॉर्डन जो है। और बात बताना चाहेंगे हाँ। मतलब आपको हम लैपटॉप पे काम करते हुए जब देखते हैं हाँ। तो मुझे वो टाइम याद आता है जैसे कि कॉलेज में जब हम एंट्री, क्योंकि हम इन सब काम के लिए असिस्टेंट रखे हैं, आप क्यों नहीं समझते हैं इस बात को, मैं हर काम नहीं करूंगा ना। सुनो मतलब ये गलत बात है, मैं आगे जानता हूँ क्या बोलने वाले हो। होता क्या है नए लैपटॉप लिए थे तो उसमें क्या होता कि ये पता था हाँ कि जब ओपन होगा लैपटॉप तो ये स्क्रीन आएगी, इसके बाद ये स्क्रीन आएगी, फिर उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। इस बीच अगर कोई भी अलग समय से जा गया प्रेस एफ वन फॉर दिस तो उस समय ऐसा लगता था कि मतलब अगर एफ वन दबा दिए ना तो मतलब लैपटॉप धुआं फेंक देगा ऐसा। तो ऐसा कभी कोई भाई साहब को देख के लगता है हमें। ठीक है अब क्या बोला जाए। ठीक है तो एक काम करते हैं इसके बाद ना आप देख लो भाई उसमें से आ जाएगा क्या बोलते हैं पीडीएफ में डाल दी मैंने, पीडीएफ तो लग ही जाएगा उसमें सॉल्व कर लेना ठीक है। और मुझे कॉम मैं अभी लगवा देता हूँ चूंकि आज वाला तो मैं लगवा ही दूंगा ठीक है। जो भी आपका है मैं बोल भेज तो दिया हूँ ऑलरेडी, मैं भेज देता हूँ, भेज के ही क्लास में आता हूँ। तो आपके पास जो सवाल नंबर बाकी जो है पहुँच जाएंगे, बाकी मैं साइन ऑफ करता हूँ। लेकिन हाँ कुछ एक बड़ा प्लान हम लोग का है रैंकर्स को लेके राइट, उस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। अलग से बात करें। नहीं बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि सर बताइए क्या है रैंकर्स, तो बताएंगे इसके लिए खुलासा भी। ऐतिहासिक बैच होने वाला है, कुछ बड़ा प्लान है हम लोग का है और बड़ा प्लान इस तरीके से ज़्यादा से रैंडम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वक्त आएगा। मैं चाहता हूँ बस पढ़ के तैयार रहना अपने तरफ से, मतलब इस लेवल पर तैयार रहो कि मतलब उसमें पढ़ने में मज़ा आ जाए, हमारी भी मेहनत, हमें भी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत लगने वाला है उसमें ठीक है। चलो सो ये बैंक महापैक जानते ही, इसके अंदर सब कुछ रहता है ऑफकोर्स, आपके पास आपके सारे बैचेज इसमें हैं, जो नियर बाई फाउंडेशन बैच था वो भी इसके अंदर है। तो जस्ट एनरोल योर सेल्फ इफ़ यू डोंट हैव एनी फाउंडेशन बैचेज, आपको मजबूत करना है या नए बच्चे अगर हैं आप तो इसको लेके अपना उसमें एक फाउंडेशन बैच उठाओ, तैयारी करना शुरू कर दो। रैंकर्स आएगा तो वो भी इसमें रहेगा, टेंशन मत लो, रैंकर्स बैच भी इसमें होगा। माई रेफरल कोड इज Y188, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप महापैक के लिए, और इसका इस्तेमाल आप Y188 के साथ एस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज के लिए। तो आज इतना ही रहेगा, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स एंड गुड नाइट।